गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। आई होप एवरीवन हैज सीन द फ्रेश रूटीन। Okay, now we'll start the class. We were covering the topic of social security. Okay, in social security, तुम लोग add-on course में पढ़ाए थे याद है? Yes ma'am. Social security काफी details में तुम लोग को पढ़ाए थे add-on course में legislation के साथ. तो इतना legislation तुम लोग को लिखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है इतना details में. लेकिन फिर भी हम लिखवा देंगे नाम just in case कि आगे तुम लोगों को कुछ काम आए इसका, तो ध्यान रहे कि ये legislation इसका है. Otherwise you don't need it in that much details. Okay. Now next topic is write down scope of social security. Scope of social security. We'll wait for 2 more minutes. People are joining. Let them join. Okay, ma'am. Okay, we'll continue the class from where we left yesterday. We were doing social security in yesterday's class. Social security ka need, social security ka explanation hum kar chuke the. Is class mein we will start with the scope of social security. Halanki this is a small topic given in your syllabus, you don't need to dig into too much of details. Okay. Now, we'll start with scope of, write down the next topic, scope of social security. Scope of social security. Social security कितने कितने types के बताए थे हम तुम लोग को? Tell me. Yesterday I told you, no? Good morning, all of you. ऐसे आप लोग क्या सर
बताओ मैम तो सिकनेस था ना नहीं नहीं टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कितने टाइप से दिया जाता है सोशल इंश्योरेंस और सोशल बोलो कल ही तो बताए हैं सोशल इंश्योरेंस था और सोशल मैटरनिटी नहीं नहीं नॉट दैट इज दोज आर द कंटिंजेंसीज ऑफ लाइफ बट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ इज इट गिवन व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी प्लान्स वन इज सोशल असिस्टेंस एंड द अदर वन इज सोशल इंश्योरेंस एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज नोन एज पब्लिक सर्विस सी सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस में डिफरेंस बताएं कल अब ये तो बताओ कोई मैम रिटायरमेंट मैटरनिटी ये सब भी तो सोशल सिक्योरिटी में आता है ना हाँ बिल्कुल आता है सोशल सिक्योरिटी में वो कंटिंजेंसी है वर यू प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास कल आप थे ओ मैम नहीं थे ना इसलिए ऐसा लगा सर उधर ओके सोशल सिक्योरिटी लास्ट कल तुम लोग कल काफी सारे लोग एब्सेंट थे तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते थे वरना फिर आगे का क्लास आगे प्रोसीड करते रहोगे समझ में नहीं आएगा सी सोशल सिक्योरिटी क्या होता है सोशल सिक्योरिटी क्यों दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी क्या होता है पहले ये समझो देखो देयर आर फ्यू कंडीशंस इन आवर लाइफ कुछ कंडीशंस हमारे लाइफ में ऐसे बनते हैं जहाँ हमें सोसाइटी एज अ होल की ज़रूरत होती है हम चाहें भी तो वैसे कंडीशंस में अपनी कमियों को खुद पूरा नहीं कर सकते हैं देर आर सर्टेन कंटिंजेंसीज ऑफ लाइफ यानी कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती है ज़िंदगी में जिसमें या तो वर्किंग कैपेसिटी हमारी बिल्कुल घट जाती है इनएबिलिटी होती है हम इनकैपेसिटेट हो जाते हैं या तो फिर हमारी वर्किंग एबिलिटी खत्म हो जाती है सपोज करो कि एक आदमी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में वर्कर है लेबर है कोई भी है हम हैं तुम हो अगर काम करोगे तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी घट जाएगी किस कंडीशन से वो कंडीशन सोच के बताओ डिसेबल्ड होने पर ओल्ड एज होने पर गुड डिसेबल होने पे, ओल्ड एज होने पे, अनएम्प्लॉयड होने पे, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है तभी भी आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है ठीक है नेक्स्ट थिंग जो विमेन एम्प्लॉयज होंगी उनकी मटर्निटी एक ऐसी कंडीशन है when they are up to giving birth to the young ones, then उस वक्त भी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है ठीक है और खत्म किस कंडीशन में हो जाती है मैम डेथ होने पर यस डेथ होने पे आपकी वर्किंग कैपेसिटी पूरी तरीके से चली जाती है नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट डेथ इज वन कंडीशन जस्ट टॉकिंग अबाउट डेथ इज वन कंडीशन जहां वर्किंग कैपेसिटी आपकी बिल्कुल खत्म हो गई हाउ विल द डिसीज्ड पर्सन एंड द डिपेंडेंस ऑन डिसीज्ड पर्सन टेक केयर ऑफ द फैमिली सोशल सिक्योरिटी ऐसे ही कंडीशन में दी जाती है और जनरली सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के थ्रू दी जाती है आपको जिससे कंसर्न रहना है वो सोशल इंश्योरेंस होगा क्योंकि सोशल असिस्ट अच्छा कितने लोग ये सब जानते हैं कि विधवा योजना के तहत पैसा दिया जाता है या बेरोजगारी भत्ता के तहत मनरेगा में भी जो पैसा दिया गया था या इस तरीके की चीजें होती हैं यस मैम चावल दिया जाता है गेहूं दिया चावल दिया जाता है आटा दिया जाता है ये सब मालूम है बीपीएल है और एपीएल को भी काफी कुछ 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 है तो उसके लिए तुमको मींस टेस्ट होना होता है यानी बीपीएल कार्ड बनवाना होता है ऑल दैट ये मालूम है ना लेकिन कैसा होता है यस मैम यस ठीक है अब ये सोशल सिक्योरिटी समझ में आ गया एड ऑन वाला एक बार कॉपी निकाल के देखना जितना तुम्हारे सिलेबस में है उससे ज्यादा ही तुमको पढ़ाया सोशल सिक्योरिटी कल हम समझाए तुमको कि इट्स अ मींस ऑफ प्रोवाइडिंग not just economic but social equality in the society also okay now
थिंग इज कि अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा कि कोविड के समय में देयर आर पीपल नॉट एवरीवन हैज अ बैलेंस टू स्पेयर और बैलेंस टू कीप इट सेव्ड फॉर 6 months और सो. There are workers, there are laborers who earn every day and who spend every day, who eat every day. और next day फिर वो काम पे जाते हैं और फिर वो कमा के फिर वो खाते हैं. वैसे conditions में जब चोरी हो, वैसे conditions में जब उनका काम रुकेगा, उनका means of income रुकेगा, how do you think they are going to take care of themselves and their family? Understood? Okay. So ऐसे कंडीशंस में सरकार उनके ये सब जो कंटिंजेंसी हमने डिस्कस की, कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, वैसी कंडीशंस जो बियॉन्ड कंट्रोल है तुम्हारी, जैसे सिकनेस. हम जानबूझ के बीमार नहीं पड़ते हैं और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा इनकम इंटरप्ट होता है. अब अगर सरकार प्रावधान ना बनाए, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट कम अप विद लेजिस्लेशंस, द लेजिस्लेशंस टू मेक श्योर दैट अ सिक पर्सन इज नॉट थ्रोन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट विल हैपन? द ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली थ्रो हिम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये गवर्नमेंट का प्रावधान है, ये गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं विच स्टॉप इट फ्रॉम लूजिंग द जॉब्स. और उस वक्त छुट्टी की भी, छुट्टी का भी स्कोप होता है. उस छुट्टी में भी आपका इनकम कंटिन्यूड रहे. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, टू कीप द इनकम कंटिन्यूड, इफ नॉट फुली देन एट लीस्ट पार्ट. जैसे ईएसआई एक्ट याद है तुम लोग को, ऐसा ईएसआई बोल के कुछ पढ़ाए थे? यस मैम. ESI में क्या होता है कि अगर तुम डिसेबल होते हो तो तुमको एक लंबी छुट्टी दी जाती है, कि इफ यू आर, एक जनरल सिकनेस होता है और एक एक्सटेंडेड सिकनेस होता है. तो जनरल सिकनेस में उतने पर्टिकुलर डेज के लिए यू आर गिवन हॉलीडे एंड यू आर गिवन अ पार्ट ऑफ पे, ठीक है, इनकम कंटिन्यूड. अगर आप फिर भी ठीक नहीं हुए तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सटेंडेड सिकनेस, एंड इन दैट एक्सटेंडेड सिकनेस यू हैव टू you'll be given a part of the pay. This way, aap theek bhi ho jate hain, you resurrect from your bad situation and aapka income bhi continued hota hai. Okay? Kyun social security important hoti hai? Ye koi soch ke batao humko. Social security is important because it मैम सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अगर एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर वो काम करने लायक नहीं होगा तो फिर उसके लिए वो सोशल सिक्योरिटी जरूरी है मैम उसके लिए, जैसे किसी भी डिसेबल्ड होने पर या वो चीज. दैट्स ओके. आप सोशल सिक्योरिटी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए. एक बार हम कल जो जो बच्चे नहीं थे क्लास में उनको फिर से बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी आपके बीबी में एक छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको भी ठीक से, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू कैन अपियर इन आफ्टर द आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली. जैसे एनफोर्समेंट ऑफिसर वगैरह का ये ग्रुप बी का एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सब में सोशल सिक्योरिटी एक बहुत यू नो इलेबोरेट फॉर्म में पूछा जाता है, क्योंकि उसी चीज को एनफोर्स किया जाता है. तो ये सब आपको पढ़ना होगा. अगर किसी को कमीशन देने का एग्जाम, कमीशन का एग्जाम देने का मन हो तो उसमें भी सोशल सिक्योरिटी ऑप्शनल पेपर है. अदरवाइज भी जो लोग जनरल स्टडीज की तरफ बढ़ेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, विच आई एम श्योर कि मेनी ऑफ यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन, तो आपके लिए सोशल सिक्योरिटी ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बीपीएससी में भी एक ऑप्शनल पेपर है LSW करके, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उसमें भी सोशल सिक्योरिटी वगैरह आपको पढ़ना है. तो अदरवाइज भी सोशल सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन जनरल स्टडीज आल्सो. ओके, अब बताओ कि सोशल सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट होता है. मैं अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाती है तो उसमें हमको कमाने वाला कोई नहीं रहता है, तो उस समय सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है उसके लिए. ठीक है आशीष, यू वर सेइंग समथिंग. मैम बेसिकली लोअर इनकम ग्रुप को ज्यादा इससे बेनिफिट मिलता है, लाइक अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इससे प्रोटेक्शन और
बट दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लोअर इनकम ग्रुप, ये भी एक बात है तो कहीं ना कहीं तो पॉवर्टी रिडक्शन का ठीक है एक एक ये पॉइंट है अदर्स Others tell me, तुम लोग तो थे क्लास में, I a lot many people I can recognize you were all present. Mahi was present, Anshu was present, Muskan was there, Sunil, these are present in yesterday's class. Anyway, देखो, ये हमेशा याद रखना कि India is a welfare state. Welfare state मतलब India के संविधान में ये लिखा हुआ है कि India एक कल्याणकारी राज्य है. क्या मतलब हुआ सबका कल्याण होना चाहिए. वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ के लोगों का वेलफेयर देखना, यहाँ की गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट किसी की भी सरकार हो, उसका काम है. बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, सो द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ द पीपल, बी इट फ्रॉम एनी क्लास, मतलब वो किसी क्लास के लोग हो, उनका वेलफेयर देखना यहाँ की सरकार का काम है. ओके तो इस एक वेलफेयर, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, उसका भी ये पार्ट है सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी इसलिए भी दी जाती है ताकि लोगों का वेलफेयर हो. दूसरी चीज, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू नो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. व्हाई? देखो बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम्स भी है और बहुत सारा क्लास बहुत सारा ऐसा जॉब है जिसमें कि अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो वैसे जॉब्स को करने का मोटिवेशन नहीं बढ़ता है. ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि सोल्जर्स वगैरह जो कि कुछ ऑड लोकेशंस पे काम करते हैं, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, ये सारी जगह, ठीक है, ऐसे जगह पे उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज्ड होता है. इट इज बिकॉज कि अगर कुछ हो गया उनको तो देयर इज समवन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. ये भी एक ड्राइव होता है ऐसी नौकरियों पे जाने का. दूसरी चीज, आप ये बताइए कि कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, ठीक है, उसकी नौकरी चली गई अचानक से. अब इस ग्रेड के आदमी के पास इतना सरप्लस पैसा तो होता नहीं है कि वो सेविंग्स में पैसा रखता है, रोज कमाता है, रोज खाता है. इन दैट केस क्या सामाजिक बुराइयां नहीं बढ़ेंगी अगर आप नौकरी, अगर आप इस तरीके का सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे तो क्या सामाजिक बुराइयां नहीं बढ़ेंगी? सामाजिक बुराइयां किस तरीके से? चोरी, चोरी बढ़ेगी क्योंकि पैसा तो चाहिए. नॉट फॉर टू लॉन्ग यू कैन रिमेन विदाउट फूड, तो चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ेगा पैसे के लिए, वुमेन के केस में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा. दीज सोशल इवेंट्स विल बी द आउटकम इफ सोशल सिक्योरिटी इज नॉट प्रोवाइडेड इन दैट वे. अब ये समझो, तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि कैसे तुमको ज्यादा मतलब है सोशल इंश्योरेंस. अच्छा, पहले टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी समझो. टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी क्या है? लिखो स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हेडिंग दो. स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी, right, the scope of social security is very wide. आप retail में product में और services में आप differentiate कर सकते हैं. क्या कौन से services हैं जो retail भी हैं और services भी? The scope of social security is very wide. क्या बोला? It includes rental, health insurance,
अगर कुछ ना सुन पाओ तो प्लीज रिपीट, उल्टा सीधा मत देख लेना, थोड़ा आवाज ओवरलैप कर रही है, अंडरस्टैंड, इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, maternity benefits, compensation for employment injury. Sorry, ma'am. Compensation for employment injury. Provident fund schemes. Provident fund schemes, etc. etc. Ma'am, provident fund schemes. Scheme. 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 सर्विस सेक्टर अलग है और बूथ सेक्टर अलग है. बूथ में जब यहाँ पे हम कुछ सामान को बोल कर सकते ला सकते. द बेनिफिट्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय थ्री वेज. जो हम अपने लिए लेते हैं, जैसे कि एयरलाइन, एयरलाइन प्रोवाइडिंग व्हाट, द बेनिफिट्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन थ्री वेज. रिटेल सर्विसेज क्योंकि वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है. अब समझ में आया, क्लैरिटी हुई या कुछ डाउट है? मैं एक्चुअली ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सुनना. हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट आई कैन नॉट मूव द क्लास राइट नाउ. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल शिफ्ट टू सम अदर प्लेस. आज भर मैनेज करो किसी तरह. द बेनिफिट्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय थ्री मींस. तीन तरीके से प्रोवाइड किया जाता है सोशल सिक्योरिटी. जो आंसर दे वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कंपनी से सामान लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो बिजनेस से बिजनेस को बढ़ाने. पहला लिखो सोशल इंश्योरेंस. आज क्लास मैनेज कर लो थोड़ा, फिर नेक्स्ट क्लास से सोशल इंश्योरेंस. दूसरा सोशल असिस्टेंस, किसी भी आदमी पर आप उसको लिखिए, आप उसको प्रिस्क्राइब करिए असिस्टेंस, उसके कहने पे बात मान के प्रिस्क्राइब करते. तीसरा पब्लिक सर्विस. या तुम लोग दो ही लिखो, पब्लिक सर्विस हम समझा देंगे. सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस, ये दोनों लिखो. जाके अच्छा सा एक हमें से जाकर के हेयर स्टाइल करवाया. अब यहाँ पे हेयर स्टाइल करवाया, तुमने दिया क्या दिया अपने बाल, बदले में और क्या दिया, पैसा दिया, क्योंकि उसने आपको सर्विसेज दिया. अब समझो कितने लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं. अपना टाइम, हार्ट, एनर्जी लगा करके आप ठीक किसी रिक्वायरमेंट. नाम सुने हो सबको प्रोविडेंट फंड के बारे में? यस मैम. ठीक, ईएसआई के बारे में कितने लोग सुने हैं? यस मैम. सुने हो क्या फुलवारी शरीफ के पास? हाँ विनीत बोलो. समझ में आया सर्विसेज किसको बोलेंगे? ना सुने हैं इसलिए रीजन क्या. अच्छा फुलवारी शरीफ के एरिया से क्रॉस किए हो, ईएसआई हॉस्पिटल पे कभी नजर गई है? नेक्स्ट टाइम जाना तो ईएसआई हॉस्पिटल थोड़ा देखना. बेहटा में बन रहा है, नया बन रहा है वो, 14 फ्लोर का ईएसआई हॉस्पिटल बन रहा है. अभी फिलहाल पटना में दो है, एक फुलवारी शरीफ में है, एक दीघा में. ठीक है, देखो सोशल इंश्योरेंस पढ़ा रहे हैं पहले. सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस के बीच का डिफरेंस समझो. सोशल इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? सोशल इंश्योरेंस मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है. जितने लोग आप लोग ये बोल रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड, जितने लोग भी आप लोग ये बोल रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि आपके पापा या आपकी मम्मी जिन्होंने भी सर्विस की है, वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड. ये मालूम है? यस मैम. अपने सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और उस और फिर एम्प्लॉयर कितना पार्ट कंट्रीब्यूट होता है, कोई आइडिया? 12%
12% तुम अपनी बेसिक का कंट्रीब्यूट करते हो और वही 12% एम्प्लॉयर भी देता है और ये पैसा किसके पास जमा होता है? बॉडी है ईपीएफओ, उसके पास तुम्हारा पैसा जमा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अपना पैसा किसी एम्प्लॉयर के पास छोड़ना पसंद नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज बी इनसिक्योर कब तुम्हारा टर्म्स खराब हो जाए या कुछ हो जाए। इसलिए सरकार ने जब इस चीज का प्रावधान लाया तब उसने बोला कि ये पैसा मेरे पास जमा होगा। एंड प्रोविडेंट फंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन इट्स अकाउंट। ओके, तो चलो, सोशल इंश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, जनरली इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी जो सर्विस में एम्प्लॉयड है उसी के लिए होता है सोशल इंश्योरेंस। तुम सर्विस कर रहे हो, तुम सर्विस में कुछ पार्ट अपनी सैलरी का तुम भी जमा कर रहे हो और कुछ पार्ट अपनी सैलरी का एम्प्लॉयर जमा कर रही है, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी हुआ। लास्ट में जब तुमको पैसा चाहिए होगा तो तुमको तुम्हारे हिस्से का पैसा मिल जाएगा। समझ में आया? ESI भी ऐसा ही होता है। देखो ESI में क्या होता है, जो वर्कर्स काम करते हैं ना इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, जिनकी सैलरी अप टू 21,000 होती है, ये ध्यान रखना, नाम ये फिगर याद रखना, 21,000 तक जिनकी सैलरी होती है उनको कंपल्सरी ESI का के में कवर करना ही करना है ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है इसलिए सब पे लागू होती है। वैसे केस में जो वर्कर होता है या जो एम्प्लॉई है उससे सिर्फ 0.75% ही उसकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, बाकी 3.25% कौन देती है? एम्प्लॉयर देता है। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा अमाउंट लेकर के कितना सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है सोशल सिक्योरिटी के नाम पे। जो लोग ESI में कवर्ड होते हैं उनका एंटाइटलमेंट होता है कि वो ESI हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी दैट एम्प्लॉयर एंड द डिपेंडेंट्स दे कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ ESI हॉस्पिटल्स, यू नो एट व्हाट रेट, एट ₹10 per month। 10 रुपए का कोई वैल्यू है आज के डेट में? ₹10 per month, यानी पूरे साल में ₹120 जमा करके लाइफ टाइम का उनको फैसिलिटी है कि वो ESI हॉस्पिटल्स में। क्या ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है? ये इतनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, हेल्थ का टेक केयर करना। यस मैम। ओके, नेक्स्ट टाइम यू गो टू फुलवारी शरीफ डू हैव अ लुक एट दिस हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, ये सब ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा तुम लोग को। पटना में भी बहुत सारी चीज है, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है? नियोजन भवन नहीं देखे हो तुम लोग? कहाँ है? इनकम टैक्स के पास, वहाँ भी ESI का ऑफिस है वो, ठीक है? तो ये होता है सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस का मतलब कि आप इंश्योर्ड हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट इज सोशल इंश्योरेंस। लेकिन मैम, बट ESI के में मैम उतना ट्रीटमेंट का फैसिलिटी रहता है या फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा रहता है? गवर्नमेंट, हाँ, थोड़ा सा उसको एक्यूज किया जाता है कि स्टैंडर्ड्स अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन विनीत यू कैन अंडरस्टैंड कि समबडी गेटिंग अ बेनिफिट एट सच स्मॉल अमाउंट। एक वर्कर क्लास का आदमी अगर बाहर जाएगा तो ₹500 तो उसको सिर्फ डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्ज देना होगा, प्लस दवा, प्लस एवरीथिंग, सो दैट पर्सन विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ। इसी तरीके से CGHS हॉस्पिटल है, नहीं इसमें डॉक्टर्स आते हैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्रूट होके ही डॉक्टर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्यूज किया जाता है। CGHS का नाम सुने हो तुम लोग?
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मौर्य लोक का जो मौर्य लोक पाल होटल देखे हो, मौर्य लोक के ऑपोजिट पाल होटल के बगल वाला जो बिल्डिंग है वो सीजीएचएस का हॉस्पिटल है, जाना तो ध्यान देना। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए वो फैसिलिटी है, कुछ पैसा वो जमा करते हैं और फिर उनका उनके लिए वो फ्री है, एक कार्ड बनता है उनका, वो सारे डॉक्टर सरकारी होते हैं, सब कुछ सरकार का है, तुमको दवा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एंड दैट इज बेटर देन ईएसआई, वो ज्यादा अच्छा होता है। ओके, उसके अलावा भी जैसे मान लो आई हॉस्पिटल में तुम दिखा रहे हो तो तुम आई हॉस्पिटल जाओगे और तुम्हारा पैसा रिइंबर्स हो जाएगा, तो गवर्नमेंट की का जो केयर होता है वो इन चीजों में सोशल सिक्योरिटी तुमको अच्छे से देखने को मिलती है। ओके, ये सब चीजों पे ध्यान देना आप देखोगे। सो मोस्टली तुमको सोशल इंश्योरेंस जब दिखेगा तो तुमको ये समझ में आएगा कि यू आर इंश्योर्ड, यानी तुम कंट्रीब्यूट तुम भी कर रहे हो। लेकिन असिस्टेंस मतलब क्या होता है पहले ये बता। मैम फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलाज होता है, इलाज की बात नहीं, इन जनरल हम एक इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं, असिस्टेंस मतलब होता क्या है? हेल्पर्स टाइप क्या, हेल्प ही करना, किसी को असिस्ट करना मतलब क्या होता है? यू आर हेल्पिंग समबडी, डू वी चार्ज एनीथिंग फॉर हेल्पिंग समबडी? तो ये समझ में आ गया सर्विस प्रोवाइड करोगी तो वो एक अलग बात है, तब तुम भले चार्ज करो, बट व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी यू डोंट नीड टू, यू डोंट चार्ज देम। सोशल असिस्टेंस इज लाइक हेल्पिंग द पूअर। कभी ये देखा है कि 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो जो राशन दिया जा रहा है उसके लिए सरकार उनसे कुछ चार्ज की है? कब देखा है? नहीं चार्ज करती है। उसके लिए मींस टेस्ट देना होता है, यू नो यू नीड टू क्वालिफाई। जैसे आप बीपीएल के लिए कोई सर्विस है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, तो बीपीएल वाले लोगों को ये कार्ड बनवाना होता है, ये प्रूफ करना होता है कि हाँ वो बीपीएल कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, तो देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अनलाइक सोशल इंश्योरेंस। तुम जब नौकरी करने जाओगे, अभी मान लो बीपीएम के बाद कहीं नौकरी करने के लिए जाओगे, अगर तुम्हारा 15,000 या 15,000 से नीचे का बेसिक प्लस डीए होगा तो तुम्हारा पीएफ कटेगा, वो तुमको कंपलसरी पीएफ देना है, तुम्हारा पीएफ कटेगा, तुम्हारा ईएसआई कटेगा, तो वो तुम्हारे वो कंट्रीब्यूशन तुम्हारे सैलरी से लिया जाता है। तो इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन, यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन, द एम्प्लॉयर विल मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ट्राइपार्टाइट, द गवर्नमेंट विल मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो सोशल असिस्टेंस होता है उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, दैट इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, ये समझ में आया? दैट इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, दैट्स लाइक अ बेनिफिट गिवन टू देम। जैसे कि जो विधवा योजना के तहत दिया जाता है, आवास योजना के तहत कुछ पैसा दिया जाता है। तुमने फर्स्ट वेव में, कोविड के फर्स्ट वेव में देखा था, जनधन खाता में प्रधानमंत्री ने 500 रुपए भिजवाए थे वैसे लोगों को। Was it contributory? क्या उनसे कुछ पैसा मांगा गया था? ये कहते हैं असिस्टेंस। असिस्टेंस ऑब्वियसली और स्मॉल मींस, और ज्यादा छोटे लोगों को, छोटे लोगों इन द सेंस की जिनकी सर्विस इरेगुलर है, ठेला चलाते हैं या कुछ वैसा काम करते हैं, क्योंकि इंडिया एक पब्लिक एक वेलफेयर स्टेट है, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ एवरी वन इक्वली, एंड इट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू पीपल। ओके, इंश्योरेंस और असिस्टेंस के बीच में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। अब थोड़ा सा लिख लो इसको, नहीं हो जाएगा। टाइप्स ऑफ, जब सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक लिखोगे तो उसको इलैबोरेट कर देना, स्कोप ऑफ या टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी में ये सारी चीजें भी लिखना। सोशल इंश्योरेंस लिखो, इट इज अ मैकेनिज्म
It is a mechanism through which benefits are provided. Evolution matlab krambadh unnati, systematic development are provided to the contributories. The contributories evolution matlab with the passage of time kaise koi cheez dheere 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 develop karke aaj contributories matlab bracket mein dalo out of contributions made by them krambadh vikas jisko bolte hai na usko bhi aap evolution bolte hain. Then what? Out of contributions made by them. आपके management theory इसका तो धीरे-धीरे-धीरे दिखाता है तब जा करके आप बहुत सारे steps. Out of contributions made by them, comma the employers and the government. Out of contributions made by them, the employers and the government. इस तरह retail भी कैसे evolve हुआ with the time, with the period of time, retail कैसे धीरे-धीरे क्या लिखे हो रिएंजन रिपीट करो प्लीज हिस्ट्री क्या रही है उसके उत्पत्ति की उसके विकास क्या मैम रिपीट करो कोई कहाँ तक लिखे हो क्या ब्रैकेट में डालना ही है ये ब्रैकेट में डालना आउट ऑफ कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइडेड बाय देम द एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट ब्रैकेट क्लोज जो ग्रामीण नेसेसरी फॉर सैटिस्फाइंग वांट्स ड्यूरिंग जैसे कि क्या किया धान लेके गए और किसी को 5 किलो धान और 1 किलो चावल दिया बोलो ब्रैकेट क्लोज के बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद अभी का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब है आज थोड़ा रिपीटिंग इट अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज पूछ लेना ठीक है ब्रैकेट क्लोज उसके बाद लिखो नेसेसरी फॉर सैटिस्फाइंग वांट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज ठीक और मैंने देखा हुआ है और हम लोगों ने ध्यान देकर के नेसेसरी फॉर सैटिस्फाइंग वांट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज जो काम वाला होता है कॉमा सिकनेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर कंटिंजेंसीज एंड अदर कंटिंजेंसीज अनाज होते थे मवेशी होते थे तो लोग भैंस के बल्ले दे दिया लिख लिया गाय दे दिया कुछ यस मैम सोशल असिस्टेंस चावल लेना है तो ज्यादा धान के बदले आपको थोड़ा चावल देते है ना It is a program through which the government attempts to improve the distress caused by contingencies of life. अच्छा क्या क्या कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ है ये एकदम मुंह जुबानी याद रहना चाहिए तुम लोगों को क्या क्या कंटिजेंसीज है बताओ जल्दी और अब जो आप डिटेलिंग देते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है राइट कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें सोशल सिक्योरिटी की हमें जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है या पूरी खत्म हो जाती है ये छह एकदम याद रखना और इसी को नो कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेड आगे फर्दर लिखो नो कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेड फॉर गेटिंग द बेनिफिट तो ऐसे हार्ट हुए मंडीज तो होता है ये सब्जी का मंडी ग्रेन का मंडी तो मंडीज हुआ नो कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेड For getting the benefit by the workers. In other words,
घर के लिए, अपने चार दिन के लिए मान लो कि दो दिन सब्जी मंडी लगती है तो बीच में इन अदर वर्ड्स के लिए वो खरीद लेते हैं, राइट? समझ में आया? Social assistance is a non-contributory benefit. Is a non-contributory benefit. Is a non-contributory benefit. Benefits are provided to persons of small means. Benefits are provided to persons of small means. In sufficient quantity. In sufficient quantity. So that their minimum standards of need can be satisfied. So that their minimum standards of needs can be satisfied. Standard of means. Need, zarurat. Oh, sorry, need. Yeah. Needs can be satisfied. आपने ये सुना है कि अगर किसी का हाथ पैर चला जाए, कट जाए या कुछ है, तो सरकारी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन देती है, यानी आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टिफिशियल हैंड्स को लगाया जाता है, ये सब जानते हो? ये सब एक मीन्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी ही होता है, क्योंकि अगर किसी का हाथ चला गया, पैर चला गया और वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, काम नहीं करता है, इससे सामाजिक बुराई बढ़ने का भी चांस होता है, वो फिर चोरी चकारी की तरफ उसका ध्यान जाने लगेगा क्योंकि इनकम इंटरप्ट हो जाता है. दूसरी बात, हाउ इज ही सपोज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट जो तुम सोच सकते हो कि सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है उससे, इसलिए भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. आप एज अ स्टूडेंट ज्यादा फोकस करेंगे सोशल इंश्योरेंस पे, क्योंकि वो लेजिस्लेशन एक्ट से दिया हुआ है. अगर गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेशन में नहीं बनाएगी तो कोई भी एम्प्लॉयर अपने यहाँ किसी किसी सिक आदमी को रखना पसंद नहीं करेगा, किसी डिसेबल को रखना पसंद नहीं करेगा, डेथ का बेनिफिट देना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज दे आर कंसर्न मोस्टली अबाउट प्रॉफिट. लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रावधान होता है, इसलिए उनको ओबे करना ही करना है. ठीक है, चलो, विल एंड टुडेज क्लास हियर. इन द नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा और बचा है सोशल सिक्योरिटी में, वो बता देंगे, एंड वी विल मूव टू अनदर टॉपिक व्हिच इज कॉम्पेंसेशन. विल स्टार्ट कॉम्पेंसेशन.